सारी मैचेस बड़े टफ हो या ना हो, बट वो 24th October को जो है ना वो बस पाकिस्तान जीतना चाहिए। और आप देखें उनके साथ तीन बड़े टॉप के क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनके हेड कोच रवि शास्त्री हैं, अभी उन्होंने राहुल द्रविड़ को भी टीम के साथ लगा दिया है, और महेंद्रा सिंह धोनी जो है वो मेंटोर की हैसियत से टीम के साथ है। तो भारत की प्लानिंग अलग है, हमारी प्लानिंग अलग है। दुआ करें हमारी टीम इस मर्तबा वो जिंक्स तोड़ने में कामयाब हो जाए कि हम आज तक नहीं जीते T20 क्रिकेट में भारत के खिलाफ, कि अगर आप खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो दूसरा टीवी तोड़ दीजिएगा। ऑन पेपर जाहिर है इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन इतवार के दिन पाकिस्तानी टीम कुछ भी करने की सलाहियत रखती है और कुछ भी हो सकता है, एग्री करते हैं आप? देखें पाकिस्तान टीम को इंडिया के खिलाफ मैच का ये एडवांटेज रहेगा, और ये तमाम क्रिकेट फैंस भी जानते हैं कि विराट कोहली ने इस T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का एडवांस ऐलान कर रखा है, और वो अभी IPL खेल के निकला है, वो एक मर्तबा फिर RCB को टाइटल नहीं जीता सकता। जय हिंद दोस्तों, चाहे क्रिकेट के मैदान हो या जंग के मैदान, इसे कितनी बार भी हरा दो ये पाकिस्तानी है कि मानता नहीं। सुनिए विराट कोहली के बारे में ये क्या कह रहा है। वो 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी टीम कोलैप्स कर गई, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सरफराज के सामने सरेंडर कर गई थी इंडियन टीम। सो विराट कोहली के क्रेडिट पे कुछ नहीं है, बाबर आजम के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। बाबर रिलैक्स्ड होगा, कोहली पे प्रेशर होगा, और ये मैच पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है इस बुनियाद के ऊपर क्योंकि उनका जो लीडर है वो प्रेशर में है और हमारा जो लीडर है वो रिलैक्स्ड। इंडिया से ना हारे बाकी किसी भी टीम से हार जाए, जब इंडिया से हारते हैं तो वो दिल पे जाके लगता है, बस इंडिया से नहीं हारना चाहिए था, तो बहुत दुख हो रहा है। इंडिया से जीत तो जीत जाते, इंडिया से जीतना इज इक्वल टू वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी। अब ये तो है जी मैच की बात, मैच होगा तो फिर होगा ना। अब इंडिया के अंदर एक टॉप ट्रेंड चल रहा है कि बैन पाकिस्तान क्रिकेट, ये टॉप ट्रेंड इंडिया चला रहा है, दुनिया भर से लोगों को इसके अंदर शामिल कर रहा है। इंडियंस ये कह रहे हैं कि खेलना ही नहीं ये मैच, वो ICC को प्रेशर में ले रहे हैं और ये दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का ये मैच मनसूख कर दिया जाए, और यह भारतीय मीडिया इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, भारतीय जनता भी। ऐसा लगता है कि उनको यह शक है कि इस मर्तबा पाकिस्तान इंडिया को यह मैच हरा देगा। पाकिस्तान को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि इंडिया भी मैच जीत चुका है, और राहुल का भी मैंने मैच IPL में देखा था, लेकिन अब राहुल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो पाकिस्तान को ऐसे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी के लिए तैयार रहना चाहिए। ने हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस तरह के मैचेस में, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया के मैच के साथ तो इंडिया ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। इंग्लैंड ने हाई स्कोर किया और इंडिया ने बड़े आराम से चेस कर लिया। क्या आपको कौन सा प्लेयर आपको स्पेशल लगा उस टीम के अंदर? आज तो KL राहुल स्पेशल लगा है, जो उसने सिक्सेस मारे हैं, बड़े प्यारे सिक्स मारे हैं और एक खतरे की घंटी बजाई है पाकिस्तान। हम विराट कोहली कर रहे हैं, बट विराट कोहली के अलावा भी उनके पास बड़े प्लेयर्स हैं, 3-4 नाम हैं। देखा KL राहुल, एग्जैक्टली KL राहुल, ईशान किशन और सब चीज़ें। KL राहुल आए, KL राहुल ने क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, इतनी तो अच्छी उन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी नहीं की जितनी अच्छी उन्होंने आज इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी की, और ये जिसको कह सकते हैं खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल है, और इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जा करे। रही बात दूसरे प्लेयर्स की, तो दूसरे प्लेयर में ईशान किशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी, उसके अलावा इंडिया के नीचे से ऋषभ पंत भी आज अच्छा खेलते हुए नजर आया, तो मतलब दोनों टीम्स की तरफ से पाकिस्तान को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इंडिया भी मैच जीत चुका है, और राहुल का भी मैंने मैच IPL में देखा था, लेकिन अब राहुल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो पाकिस्तान को ऐसे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये हमारे लिए सरप्राइज फैक्टर भी एक हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा आज का मैच नहीं खेले इंडिया की तरफ से, जो कि हम समझे सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है, उसके अलावा इंडिया ने 180 से बड़ा टारगेट चेस कर लिया, तो इस पर पाकिस्तान की क्या कहना चाहेंगे मैसेज? पाकिस्तान को प्रिपेयर रहना चाहिए, जैसे कि अवाम हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बहुत इंटरेस्टेड रहती है, तो पाकिस्तान को भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए ताकि लोग उनसे भी खुश हों। दोनों टीमें मजबूत नज़र आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल मजबूत नज़र आ रही हैं, जैसा कि आपने परफॉर्मेंस मैंने पहले भी कहा कि देखी होगी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की भी, तो मतलब चांसेस है पाकिस्तान के इस बार वर्ल्ड कप जीतने के इंडिया के खिलाफ स्पेशली? जी बिल्कुल चांसेस है पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में जीतने के, लेकिन इंडिया ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी टफ रहेगा मैच। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया के मैच के साथ तो इंडिया ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि इंडिया के पास जो बैटिंग लाइन है वो बड़ी जिसे कहते हैं धमाकेदार ही है, और उन्होंने आज साबित भी किया कि हमेशा से उनकी बैटिंग लाइन
में बड़ा जान रही है और उनका जो जो ओपनिंग मैच का मतलब है वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यह है कि एक मैच पे हम फैसला नहीं कर सकते किसी भी टूर्नामेंट की टीम के मतलब कौन सी जीतेगी, लेकिन यह है कि आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, कम्बिनेशन मिला के जो है वो इन्हें खेलना पड़ेगा और टीम को मैदान में उतरना पड़ेगा, इंडिविजुअल पे ना मतलब वो करें रिलाई, एक कम्बिनेशन बनाएं और प्रॉपर प्लानिंग बनाएं तो इंशाल्लाह ताला हम ओवरकम कर सकें। बता दीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 24 अक्टूबर को मैचअप बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान को क्या उनके खिलाफ स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए आपके लिहाज से? बड़ा एक जिसे कहते हैं कि रूह के अंदर जिसे कहते हैं एक जज्बात इससे जो है ना वो भरते हैं और विश जो है वो और होती है और रियलिटी जो है वो और होती है। देखें विश तो हमेशा से हर पाकिस्तानी की और हर मुसलमान की ये रहेगी और रहती भी है कि पाकिस्तान या मुसलमान दुनिया के हर मैदान में कामयाबी हासिल करे और जीते, लेकिन यह है कि आपको पता है कि जब कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप के पहले पहले ही राउंड में हम बाहर आ गए हैं, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो तो होश से जो है ना वो जोश कभी भी नहीं, थोड़ा बहुत जोश जो है वो होना चाहिए लेकिन जोश उस वक्त होना चाहिए जिस वक्त आप खेल ना रहे हो। मैच इंडिया वर्सेज इंग्लैंड हाई स्कोर मैच था, इंग्लैंड ने हाई स्कोर किया और इंडिया ने बड़े आराम से चेस कर लिया। क्या आपको कौन सा प्लेयर आपको स्पेशल लगा उस टीम के अंदर? आज तो केएल राहुल स्पेशल लगा है, जो उसने सिक्सेस मारे हैं, बड़े प्यारे सिक्स मारे हैं और एक खतरे की घंटी बजाई है पाकिस्तान के लिए। पहले आपने केएल राहुल खेलते देखे? पहले तो हम भी देखे हैं, आईपीएल तो अब पाकिस्तान में देखी नहीं गई तो इसलिए अभी बड़ी देर बाद देखा है उसे। तो मतलब क्या पाकिस्तान को इसके खिलाफ कुछ सोचना चाहिए? मतलब रोहित शर्मा आज ओपनिंग करने ही नहीं है, वो बैटिंग करने ही नहीं आए रोहित शर्मा, उसके बावजूद इंडिया ने 180 से ऊपर का टारगेट चेस कर लिया, इस पे क्या कहेंगे? जी इंडिया की बैटिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, हर प्लेयर ही उनका विनिंग प्लेयर है, केएल राहुल, रोहित, कोहली, ऋषभ पंत सारे विनिंग प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान की भी टीम इस दफा काफ़ी बैलेंस है। इंडियन कमेंटेटर्स को हमने सुना वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को बॉलिंग पे एडवांटेज है इस पिच के ऊपर, आपको लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग उस दिन कुछ कर सकती है इंडिया के खिलाफ? जी शहीन शाह अफरीदी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि वो आमिर की तरह इन स्विंग करेगा और इंडियन प्लेयर इन स्विंग पे काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है उनको। मौका उस मौके पे उतर आएगा? मौका एक ना नफसियाती और साइकोलॉजिकल वॉर है, इसका इम्पैक्ट क्रिकेट डे के ऊपर प्लेयर्स के साथ वैसा नहीं होता और ये एक सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और नफसियाती तनाव और ना एक मेंटल गेम है कि आप किसी को भी टॉर्चर करने के लिए या कि जी आप इस प्रेशर में हैं तो इसकी वजह से आप हार जाएंगे। असल में तो टैलेंट, क्रिकेट ग्राउंड, स्टैट्स, रियलिटीज़ और क्राउड, ये सब चीज़ें उस टाइम मिक्सर होती हैं क्रिकेट को देखने और इंजॉय करने का। क्या परसेंटेज आपको नज़र आ रही 24 अक्टूबर की? वेल एज़ पर फेवरेटिज़म अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इज़ मोस्ट फेवरेट राइट नाउ, और परसेंटेज की ज़्यादा अभी के लिहाज से आपको देखा जाए तो कौन फेवरेट ज़्यादा लग रही? आई गेस इंडिया ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ऑन पेपर भी और ऑन ग्राउंड भी इंडिया के पास बड़े नाम हैं और उनकी बड़ी बैलेंस टीम है। पाकिस्तान की टीम में आल्दो के एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं लेकिन उतने बड़े नाम नहीं है जितने कि इस वक्त, जैसा कि मैंने कहा, अगर ऑन पेपर भी देख लें, ऑन ग्राउंड देख लें, स्टैट्स को देख लें, किसी भी तरह से देख लें तो इंडियन टीम इज़ मच बेटर देन पाकिस्तान। इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा होंगे? दो प्लेयर्स इम्पैक्ट बता दिए दोनों टीमों की तरफ। ये जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑन दैट डे प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े से बड़ा प्लेयर आप देख लें, पास में सचिन तेंदुलकर को लेके इंडिया बड़ा बिलीव करता था सचिन तेंदुलकर पे और बड़े मैचेस में वो नहीं चल पड़ते थे, जब उनके अल्टरनेट प्लेयर्स आना शुरू हो गए तो सचिन थोड़ा रिलैक्स हो जाता। इसी तरह आप दोनों टीम्स के पास हैं, हम विराट कोहली कर रहे हैं बट विराट कोहली के अलावा भी उनके पास बड़े प्लेयर्स हैं, 3-4 नाम हैं। देखा केएल राहुल? एग्जैक्टली, केएल राहुल, ईशान किशन और सब चीज़ें इसी तरह ही हैं और मेरा जाती ख्याल है कि ये इम्पैक्ट डे प्लेयर्स का कुछ अभी कहा नहीं जा सकता बिकॉज दोनों टीमें अब ऐसी हो गई हैं, वो टीमें बाहर आ गई हैं उस वैक्यूम से कि जी अगर वो ना चला तो मैच हार जाएंगे। अब दोनों टीमों में फाइटिंग स्पिरिट है, इंडिया में थोड़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान में आल्दो के यंगस्टर्स ज़्यादा हैं और 3-4 एक्सपीरियंस।